आसमान छू रही महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्या, आमजनों की विभिन्न बुनियादी समस्याओं और मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में तो मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सागर कलेक्ट्रेट पर जमकर हल्ला बोल किया। प्रदर्शन के पूर्व सैकड़ों कांग्रेसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नरियावली, सागर ग्रामीण, मकरोनिया, सदर, युवा कांग्रेस नरियावली के तत्वावधान में स्थानीय पहलवान बब्बा मंदिर के समीप एकत्रित हुए। भाजपा सरकार के खिलाफ युवा, किसान, आमजन व श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महामहिम राज्यपाल के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर और SDM सपना त्रिपाठी को सौंपा। हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हल्ला बोल प्रदर्शन सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जनों ने किया। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।